जली नींव नया घर नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है श्री चंद्र चमुआ के असमी नाटक का ये हिंदी अनुवाद। अनुवादक हैं श्री कमल सिंह यादव। नाटक के इस आलेख को अखिल भारतीय रेडियो नाट्य लेखन प्रतियोगिता 1989 में असमिया भाषा में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो सुनिए नाटक जली नींव नया घर। पद्मी, ओ पद्मी, जी माँ, आओ, जरा एक क्षण प्रार्थना कर ले। अच्छा माँ, हाँ, तो बोलो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव, त्वमेव सर्वम् मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना छोटी होने पर भी चलेगी। बेटी, मुझे बस एक दिन याद करा देना ये ईश्वर वंदना। अच्छा, जब तू शादी करके चली जाएगी मैं क्या करूंगी। ओ माँ, पता नहीं ये बूढ़ी क्या क्या बोलती रहती है। माँ, मैं शादी नहीं करूंगी। माँ, होए होए, शर्मा गई ना। अच्छा ठीक है, तो मैं नहीं कहती। वैसे बिटिया, जवान होकर तू अकेली रहेगी। हाँ, अगर मैं ना मरी तो तुझे पकड़ कर ब्याह कर दूंगी। देखती रहना। हे परम प्रभु, आप सब जानते हैं बिन माँ बाप की लड़की है मैंने बाल पोस कर बड़ा कर दिया और आज ब्याह की मंगल बेला आ पहुंची। ये एक नंदन वंदन सुखी घर संसार का सुख देखे। बस आपसे मेरी यही प्रार्थना है। गुणोधर बेटा, गुणोधर। हाँ माँ। बेटा, बहू कैसे सूखती जा रही है, क्या तूने ध्यान दिया है कभी? बेटा, मैंने कितनी बार कहा एक घड़ा पानी इसके ऊपर से कटवा, लेकिन ओझा नहीं मिल रहा है माँ। जरा सोच बेटा, उसका अपना कोई नहीं है, दो माँ हो रहे हैं उस वृद्धा को मरे। वैसे क्या लगती थी वो महेंद्री बूढ़ी? अरे, अपना खून ना होने पर भी नात इनकी तरह प्यार किया। लो माँ, वो फिर रोने लगी। ऐसे मत कह तू। बहू, बहू, मन को जरा धीरज बधाओ। बहू, रोग व्याधि सिर्फ तुम्हारे घर थोड़े ही आई है, बहुत लोगों का यही हाल हुआ है। मैं जानती हूँ तेरा लाडला चला गया। जी, याद रखना बेटी, बुरे दिनों में धीरज नहीं खोना, सब ठीक हो जाएगा। और गुणोधर। हाँ माँ। शाम को बहू को गांव के देवी मंदिर में ले जाना। अच्छा माँ। Thank you.
माँ जी? हाँ बहू, सुन रही है ना? है? ये बाहर सड़क के किनारे कुछ लोग बातें कर रहे हैं, शायद यहाँ कोई मीटिंग होने वाली है। अरे हाँ बेटी, देश में शांति बनाए रखना दूभर सा हो गया है। ऐसा लगता है लोग शायद आक्रमण करने आए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है माँ। अरे डर किस बात का, वो तो अपने ही आदमी हैं। अपने ही आदमी? हाँ, आज रामपुर छपरी की विदेशी बस्ती उजड़ कर ही रहेगी। अपनी जमीन हम वापस लेकर रहेंगे। वो देखो, वो लोग हाथ उठाकर मुझे बुला रहे हैं। मैं आया हूँ। अरे आया हूँ, कहकर जल्दी सुनो। अरे जाने दे, जाने दे बहू, यात्रा के समय पीछे से नहीं बुला। माँ चाय पानी कुछ भी नहीं, ऐसे की लड़ाई के बारे में तुझे क्या बताऊं माँ? क्या हुआ बेटा? उन लोगों ने इतना मजबूत घेराव किया था कि पूछो मत। अच्छा? लेकिन बाद में उनका लोहे जैसा घेराव चकनाचूर हो गया। अच्छा? सब कुछ उजाड़ दिया गया। बच्चा बूढ़ा मिलकर कुल 9 मरे हैं। और हमारे? हमारे कुल 4 आदमी घायल हुए हैं, कोई मरा नहीं है। घायल होने के बाद जब हमारे आदमियों का खून गर्म हुआ तो बस पूछो मत। इस बुढ़ापे में ये सब क्या सुनने को मिल रहा है? माँ, मेरे बेटे को बचा कर वापस ला दिया, तुम्हारी कृपा प्रभु, तुम्हारी कृपा। मैं भला तुझे क्या दे सकती हूँ? तुम्हारे मंदिर में सिर्फ एक दिया ही मैं। माँ, आज मेरे मुंह में खाना कैसे जाएगा? मेरी आंखों के सामने पता नहीं लोग आपस में इतना क्यों लड़ते हैं। युद्ध ऐसा होता है, मैं इसे आज समझ पाया हूं। अरे माँ, वैसे हम किसी का थोड़ा सा भी घाव देखकर ओह आह करने लगते हैं, लेकिन युद्ध के समय में तो एक अलग ही खून की धारा बहती है। हाँ बेटा। पर इस बहती धारा में भी मैंने एक बच्चे को बचा लिया माँ। अच्छा, अच्छा किया बेटा, अच्छा किया। बहू, बहू। जी मैडम। गुनोधर आ गया है, इसे कुछ खाने को देकर तू भी खा ले। माँ जी, वो हिमोलुगुड़ी वाले कमल भाई साहब आए हैं, कह रहे हैं कोई जरूरी खबर देनी है। अच्छा, कमल आया है? जी। बहू, जरा जल्दी से चूल्हे पर केतली रख दे। अच्छा, चाय पिलाकर भेज। जरूर माँ जी। चाची प्रणाम। आओ कमल। चाची तुम सब लोग जल्द यहाँ से भाग जाओ। हा? बस यही कहने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। पर क्यों? अरे हमारे गाँव वालों का मन तुम लोगों के प्रति कुछ खराब हो गया है, वो किसी को भी नहीं बख्शेंगे, एक तरफ से सबको छाड़ते चले जाएंगे। हाँ, हमारे हिमोलुगुड़ी के लोग अब बहुत कट्टर दुश्मन हो चुके हैं तुम्हारे। अरे पर मैं भी तो उन्हीं में से एक हूँ। कमल, चाची बुरा मत मानना, समझ लेना इलेक्शन की लड़ाई से ये लड़ाई कई गुना बड़ी होगी, समझे? मैं चलता हूँ। कमल। माँ, माँ। बेटा गुनोधर। हाँ? सुना तुमने, अब क्या होगा बेटा? तुम लोग ज्यादा देर मत करो, कमल ठीक ही कह रहा है, मैंने सड़क पर जाकर खबर ली है, हाल चाल अच्छे नजर नहीं आ रहे। जितना उठा सकती हो हाथों हाथ पकड़ो और फौरन यहाँ से निकल जाओ, वरना। पर बेटे, माँ जी बाकी बातें छोड़िए, फिलहाल प्राण बचाने चाहिए। माँ जल्दी करो, पदुमी को लेकर तुम निकलो, मैं यहीं रहूंगा, गांव की रक्षा करनी होगी। गांव पर जब विपत्ति आ पड़ी तो उस वक्त मैं कायरों की तरह भागूंगा नहीं। नहीं बेटा, तुझे अकेला छोड़कर हम यहाँ से नहीं जा सकते। ओहो, क्यों नहीं जा सकते? जाने के लिए सब औरतें निकल आई हैं। कपड़े लत्तों की गठरी बना के रख दी है और छोटे बक्से को बंसवार में बांस के पत्तों से ढक दिया है। हाँ, सुनो, बड़े बक्से को तुम ले आना। मामा जी चलिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तुम लोग उन औरतों के साथ निकल जाओ, इस तरफ मुड़कर मत देखना, मैं आ जाऊंगा। हाँ गुनोधर, ज्यादा देरी मत करना। मेरी सौगंध, देरी मत करना। और सुनो, मैंने कल जो बातें बताई थी याद है ना? हाँ याद है, सब याद है, कहीं अनकहीं सारी बातें याद है। आप जाओ।
तो जिस किसी तरह रेल लाइन पर आ पहुंचे, लेकिन गुनोधर अभी तक नहीं आया। नहीं आया ना बहू? माजी, क्या हुआ? माजी लगता है गांव में आग लगी है। क्या? वो देखिए घर से उजाड़ कर दिखाई दे रहा है। क्या? मेरा सांस चल रहा है माजी। गद्दी पर सर रख ले जाओ बेटा। क्या बहू? क्या हुआ बहू? क्या बात है? क्या हुआ? अरे कोई है? कोई है? क्या हुआ माजी? अरे देखो तो बैंसों की पुखरी में पानी है। तेरे देखो तो थोड़ा सा पानी ला दूँ। अच्छा ला ला बुलाती मैं थोड़ी ही आती है। कमजोरी की चक्कर आ रही है बहू। क्या हुआ बहू? लोग आके जा रहे हैं और पुल के नीचे जगह बनाते जा रहे हैं। ये कौन हो सकती है? अरे ये तो रहीमला है। रहीमला ही हो ना तुम? तुम अब्दुल भाईजान हो? हाँ रहीमला, मैं अब्दुल हूँ। पर ये कौन है? मेरी बहू पदुमी। हम भी भाग रहे, तुम भी भाग रहे हो, तो फिर लड़ाई किसके बीच है? अरे सुनने को मिला है कि बहुतेरे जनजाति के लोग भी पहाड़ की ओर अपने सगे संबंधियों के घर भाग रहे हैं। अच्छा, फिर बात क्या हुई बहन रहीमला? हम औरत जाति भला देश की खबर के बारे में क्या जाने? क्या पता, मेरा गुनोहर अभी तक नहीं आया। अरे क्या सोच रही हो रहीमला? आग लगी है तुम लोगों के गांव की ओर, साफ जल रहा है। जल ले दो। मेरा भी सब कुछ जल गया। मैंने तो छोड़ दी सब मोह माया। इस बुढ़ापे में खुदा ने भी मुश्किल में डाल दिया। अरे सुख के दिन तो याद ही नहीं रहे। सारी जिंदगी खेती करते ही गुजर गई। जानती हो गरीब का मतलब ही गुनहगार है, गुनहगार। हाँ भैया, पाई पाई करके कमाया, घर बसाया, अब सहा हो रहा है। अरे कैसा बैर है, कैसी दुश्मनी है ये? पता नहीं, कुछ पता नहीं। तेरे गुनोधर नहीं आया? गुनोधर। माजी बेटी, बाजी अभी मैं सुनकर आई हूँ कि सरकारी कैंप में लोगों को हमेशा नहीं खिलाया जाता। पर बेटी अपनी बुनियाद पर वापस लौट जाने का समय आ गया है माँ। जाने वाले तो चले गए, गांव के वास्ते ही लोगों ने अपने प्राण न्योछावर किए हैं। अरे क्यों लंका दिखलाने के लिए कह रही है तू? बेटा गुनोधर तू तो फिर कहाँ चला गया? माँ जी किसने मेरे बेटे का खून पिया है? माजी धीरज रखिए, धीरज रखिए। देखिए आप हमेशा कहती है ना कि जाने वाला रोने धोने से वापस नहीं आता, इसीलिए मैंने रोना धोना छोड़ दिया। उस दिन रेल लाइन पर ही खत्म कराई थी। तू बहुत समझदार है पद्मी। माजी सभी लोग अपनी अपनी जगह वापस लौट रहे हैं। हमारी चली नींव की कुछ दूरी पर पोखर की ओर सरकार द्वारा कुछ घर बनाए गए हैं। चलो हम भी चलते हैं। पर बेटी मैं चिंता ना करूँ माँ, मैं मेहनत करूँगी माँ। हम दोबारा आबाद हो जाएंगे। हाँ चलो चलो माँ।
पदुमी, पदुमी। हाँ जी माँ जी। रजत को गुमशुदा गायों के बारे में कुछ पता चला? नहीं माँ, पुलिस सिपाही के डर से वो भी खुलेआम घूम फिर नहीं पा रहा है ना। हाँ बेटी, हम अपने काम के लिए उसे मुसीबत में क्यों डालें? माजी, माजी, हाँ, हमारे बोगी गाय, अरे हाँ, बाई, वो जली नीम से सटकर कुछ चल रही है, बोगी, अरे बेटी, अरे उसे हाथ ला, अरे पकड़कर बांध दे उसे। गुरु आने में भी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। बोगी, भगवान की लीला, अरे अरे मैं पकड़ कर लाती हूँ उसे, माजी मैं पकड़ लूँ, रुके, बोगी, माजी क्या हुआ, गिर गए क्या? ओहो इतनी जल्दी जल्दी क्या की जा रही कि माजी 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 क्या हुआ माजी माँ मैं पानी लाती हूँ मैं पानी लाती हूँ माजी ये लीजिए पानी माँ माँ मेरी ओर देखिए ना माजी मेरी ओर देखिए ना माँ 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 करूं समझ नहीं आता, अकेली रह गई हूं। कल एक सिपाही आया, मेरे घर में कौन है कौन नहीं भला उसे इसकी पूछताछ करने की क्या पड़ी थी? उसकी नीयत अच्छी नहीं है, समझती हूं मैं। अच्छा एक काम करती हूँ, गहना बर्तन और गाय बेचकर कुल 40 रुपए मिले हैं, बाकी सब कुछ तो वैसे ही चला गया। दरवाजे पर ताला लगाकर रात की गाड़ी से मैं शिमलू डोंगा चली जाती हूँ। वहाँ घनश्याम बेलदार का काम करता है, सुना है उसका परिवार भी वहीं रहता है। उनके उनके पास पड़ोस में कोई काम धंधा भी मिल जाएगा। चल पदुमी। बाबूजी आप तो हंस रहे हैं, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ बाबूजी, सही में मुझे कोई काम चाहिए। अभी कुछ देर पहले ही किसी ने टेलीफोन पर मुझसे कहा है कि आप अपने होटल में एक औरत को काम दे दें। मैंने उससे साफ साफ कह दिया, देखो हमारे यहाँ किसी औरत को नौकर रखने की व्यवस्था नहीं है। पर बाबूजी मैं घर से आना जाना करूंगी। अच्छा ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? पदुमी। पदुमी कहाँ रहती हो? शिमलू डोंगा में। तुम्हारा कोई स्थानीय अभिभावक? जी मतलब ये कि तुम्हारे वर्तमान निवास पर तुम्हारा अपना कोई? हाँ वो घनश्याम भाई साहब हैं। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। अरे अरे अरे, अरे हट हट पदुमी, ये लड़की तुम्हारा कपड़ा गंदा करेगी, हट 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 दूर हट दूर। लड़की ने इस बच्ची के लिए कोई दूसरा चारा नहीं, बार बार इसे दूर भगा आता हूं लेकिन एक घंटे बाद ये फिर लौट आती है। क्यों? ये रात में ये प्लेटफार्म पर सोए लोगों के साथ सोती है, खाना दिए बगैर बनता नहीं है, बड़ी दया आती है इस पर। ईश्वर भी कैसे कैसे लोगों को इस पृथ्वी पर भेजता रहता है। ए लड़की
ए छोकरी, तुझे पुलिस में दे दूंगा समझी, वो तुझे सीधे अनाथालय पहुंचा देगा। अरे कोई है, अरे इसे हटाओ यहां से, ले जाओ। जरूर कोई रिफ्यूजी छोड़ गया। अच्छा हाँ पदुमी जी? कल से काम पर आ जाना ठीक। जी बाबूजी। पदुमी जी साहब, कितने दिन हो गए तुम्हें यहाँ काम करते हुए? 4 दिन साहब। अच्छा देखो, रोज रोज इस तरह आना जाना करने से तुम्हें तकलीफ पहुंच रही होगी। नहीं बाबू जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर एक बात और, काम भी ठीक से नहीं हो पा रहा है जी? नहीं, काम तो मैं एकदम हमारे यहाँ जब ट्रेन आती है तभी भीड़ होती है और उस समय तुम्हारे घर जाने का समय हो जाता है, हैं? इसलिए तुम एक काम करो जी? देखो ऊपर एक रूम खाली है, हैं? तुम कुछ दिन वहीं रहो, फिर देखा जाएगा। लेकिन वो घनश्याम भाई साहब से पूछना पड़ेगा। क्यों? अच्छा अच्छा, अरे वैसे उसकी तो सहमति है। हाँ आज ही उससे मेरी बात हुई है। अच्छा? वो तो बड़े भले आदमी है, अरे तुम्हारी जैसी अनेकों निस्सहाय औरतों की मदद करते रहते हैं, हैं? एक दो दिन रहने से तुम्हें घरेलू माहौल भी मिल जाएगा। लेकिन बाबूजी मतलब ये तुम्हें यहाँ अकेले रहना पड़ेगा यही? अरे वहाँ भी तो तुम अकेले ही रहती हो, हैं? यहाँ तो सुरक्षा है। वैसे मुझे आने जाने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है बाबूजी? हो सकता है लेकिन मैं लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकता, समझी? जी आप तो बहुत दयालु हैं। अरे डूब कर मर मर कटी गड्ढा नहीं देख रही है क्या? पानी में गिर पड़ी। हादे पकड़ पकड़, आजा दीदे, आजा आजा। मैं ना पकड़ती तो ऊपर चली गई होती। अब रो क्यों रही है? अच्छा ठीक है, चले यहीं बैठ जा, शरीर और कपड़ा सूख जाए तब चली जाना। हाँ अच्छा रो मत, अब ठीक हो जाएगा, चल 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 बैठ। शाबाश। अच्छा सुन, तेरा नाम क्या है? जॉन। ओहो बड़ा अच्छा नाम है जॉन। अच्छा तेरे पिताजी का क्या नाम है? नहीं बताना? नहीं बताओगी? चल ठीक है। अच्छा बता तेरी माँ कौन है, कहाँ पे है? ए? कुछ बोलना ही नहीं है या बोलना आता नहीं है? अरे ऐसे मेरा मुंह क्या देख रही है? ए जान, तेरी छोटी छोटी आंखें बड़ी सुंदर है रे, ऊपर वाले ने भी क्या बनाया है। अच्छा चल, आप तेरे कपड़े सूख गए हैं, अब तू घर जा, तेरे माँ बाप ढूंढ रहे होंगे। मेरा भी काम खत्म हो गया, मैं भी अपने घर जा रही हूँ, ठीक है? चल। आज फिर मरते मरते बच गई तू। रेलगाड़ी चलते समय दरवाजे के पास खड़ी किसे देख रही थी? हाँ मुझे? अरे मुझे देखा नहीं है क्या? झपट कर पकड़ना लिया होता तो देर हो जाती। अब जा यहां से, कहां जाना चाहती है? अच्छा चल वहां तक छोड़ आती हूँ, आजा। अब मेरे साथ जोक की तरह लगी मत फिरो। भाई मेरा घर तो ये रहा, अब तुझे कहाँ जाना है? मुझे कहीं नहीं जाना। क्या तू मुझे पहचानती है? ओ
मैं वही हूँ ना जिसने तुम्हें पानी में डूबने से बचाया था, है ना, और रेलगाड़ी के नीचे आने से बचाया था, है ना। आप पहचाना। अच्छा इधर आओ। जान बेटी, तू मुझे खोज रही थी और मैं तुझे। मैं तेरी माँ हूँ, नहीं हूँ? अच्छा अच्छा समझ गई, मेरी तरह तू भी अकेली है। चल ठीक है, आज से तू मेरी बेटी और मैं तेरी माँ। माँ एक बार फिर से बोल। माँ बहुत अच्छा, एक बार फिर से कह। माँ आज से तू कहीं नहीं जाएगी, मेरे साथ रहेगी, समझी। अच्छा तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, ठीक है। क्या हुआ? लगता है टीन पर कोई कूदा है। अकेली समझ कर चले आए लूटने, रचक भी आज तक नहीं आया, और इस घनश्याम का मतलब भी कुछ और ही नजर आ रहा है। दो दिन पहले होटल का वो बैरा बाबू ही तो कुछ ऐसा ही कह रहा था। पदुमी चानस तो तुझे मिला है, लेकिन ध्यान रखना, ऊपर उठ जाने पर नीचे उतरना कठिन हो जाता है। नहीं, यहां से निकलना होगा। जान जान बेटा, उठ उठ, सवेरा हो गया बेटा, हमें जल्दी से निकलना होगा। बेटा उठ उठ, शाबाश, चल अब जल्दी से मुंह हाथ धो लो और ये बिस्कुट खा लो, फिर हम चलते हैं। हाँ कहाँ चलेंगे? अपने घर। घर? पर सबके घर तो जल गए। जल गए? मतलब तुझे सब कुछ पता है? जान मेरी बच्ची, तुझे पता है नए घर बनाए गए हैं? अब हम जली नींव पर बने अपने नए घर में जाएंगे। मैं तुम्हारी रखवाली करूंगी और तुम मेरी। हमारा घर अब कोई नहीं जला सकेगा। अपना अपना हाथ मेरे हाथ में दे, देखूं इसमें कितनी ताकत है। नया घर।